हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल साइस्ता इंजामी ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम लोग दीघा बीच घूमने जा रहे हैं एक ग्रुप के साथ। तो आज बच्चे भी पूरा मस्त हैं, सभी लोग ऐसे देखिए, बच्चे भी हमारे ऐसे पूरा तैयार हैं। ये लोग भी पूरा आज मस्ती में हैं और हम लोग भी देखें, हम लोग भी मस्ती करेंगे। हाँ, एक फैमिली के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, एक दिन का ट्रिप है। हाँ, और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को भी बीच घुमाया जाए, दिखाएं। हाँ, दीघा बीच हम लोगों का भी पहली मरतब हो रहा है, बस सुना हो कि यहाँ के ऐसा है वैसा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो जो कुछ भी है आज आप वो सब शेयर करेंगे। और उम्मीद है कि हमारा वीडियो वो दो पार्ट में आए, क्योंकि पूरे दिन का होगा तो हम पूरी ब्लॉगिंग ऐसे सुबह से शाम तक का पूरा करेंगे। तो रहेगी सारी चीज़ें मेटे, तो हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और आइए देखते हैं बीच बीच में हम रुकेंगे जो भी है रास्ते के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह हमने लिया है, सारा कुछ तैयारी हो चुकी है, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। और देखते हैं क्या क्या होता है, चूँकि हम लोग भी पूरी तरह से हर चीज़ नहीं जान रहे हैं, तो जैसा भी जो होगा वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं दीघा बीच, है ना। ये देखिए, ये टवेरा है, इसी गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं और ये सब सामान है हमारा। चलिए 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 सर, आइए यार, हो गए चार बजते बजते 5 बज गया। नहीं, मैं 2 बजे से उठा है, 2 बजे से उठे हुए हैं। ये नेशनल हाईवे है जो चेन्नई से हावड़ा के जाता है, तो हम हावड़ा रूट की तरफ जा रहे हैं। और भी शुरू एक जगह है, हमको निकले हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो चुके हैं रास्ता, क्योंकि यहाँ पे हाईवे मरम्मत हो रहा है कि जगह जगह पर ख़राब है, काफ़ी टाइम लगता है। जालेश्वर टाउन आने वाला है, यहाँ से 50 किलोमीटर दीघा बीच है। हाँ, 50 दिखा रहा है। तो अभी ये जालेश्वर हम पहुँचे हैं और जालेश्वर से लगता है अभी 40-45 किलोमीटर है। इनको देख के लग रहा होगा कि ठंड इधर में ज़्यादा है, अचानक भद्रक में कोई ठंड कम हो गई थी। और ये बॉर्डर है यहाँ, मतलब बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर, जालेश्वर आखिरी जो है, उसके बाद फिर बंगाल शुरू हो जाता है। उधर में बिजली और खड़गपुर जो ट्रेन से आते होंगे वो देखते होंगे, तो वही है। ये देखिए, ये पेट्रोल पम्प बड़ा अच्छा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा मौसम अचानक गर्म हो गया था, वो दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है तो अच्छा लगे। बेटा मदिया कहाँ? बंगाल बॉर्डर में हम इंटर कर चुके हैं, यहाँ से ये बंगाल शुरू हो गया। अभी तक हम उड़ीसा में थे। ये तो यहाँ पर इधर में भूल भुलैया है, इधर भी आएंगे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, जा रहे हैं ना पार्क जाएंगे, और उधर में बीच है, वहाँ बीच पे भी जाएंगे। सारा ये दिखा ही है पूरा, सारे होटल्स हैं। हम लोगों को तकरीबन 5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। काफी डेवलप लग रहा है, टूरिस्ट प्लेस है, इस वजह से भी ज़्यादा डेवलप है। एक तरफ देखिए गेस्ट हाउस है, होटल्स है, इन्स है। यहाँ पर ये क्या है, ये
कोई बिल्डिंग है बनाया है, जैसा ढूंगा जैसा है ना बिल्डिंग बनाया है, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत चीज बनाए हुए है। यहाँ से न्यू दीघा बीच का रास्ता जाता है, हम लोग का ओल्ड दीघा जा रहे हैं, आगे से रास्ता है ना। वैसे जगह जगह सारे बोर्ड चेंज हो गए, अभी तो गुड़िया में लिखे हुए थे, अब सारे बंगाली में हो गए, और एक जगह बंगला में लिखा हुआ है, अब सारों को मिक्स किया है। अच्छा, इधर में लगता पार्क है, लगता ना पार्क लिखा हुआ, आबादी नहीं है ना उसमें, बिजी है टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए भी बिजी है। अभी तो पूरा सीजन है, पीक सीजन है टूरिस्ट आने का, इसलिए मार्केट में भीड़ भाड़ ऐसे भी ज़्यादा है। ये यहाँ पर बड़ा सा टॉयलेट बना हुआ है आगे आने वालों के लिए, ये पूरा इधर पार्किंग है, मार्केट है। अब देखें क्या कौन कौन सी जगह है, देखते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग आ चुके हैं दीघा बीच, और हम लोग का हल्का फुल्का नाश्ता पानी हो चुका है, और हम निकल रहे हैं। हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए उतना उस तरह से आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी एरिया में है ये सब कुछ। ये अभी हम लोग दीघा बीच पर खड़े हैं, ये देखिए हमारे पीछे समंदर लहरें मार रहा है, और ये देखिए ये पूरा चारों तरफ भीड़ है, दूर जहाँ तक नजर जाएगी ये बड़ी भीड़ है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, सुंदर लगेगा, नहीं घूमने में कहाँ मज़ा नहीं आता। ये देखिए इधर भी वैसा ही है, तो नहाने का प्रोग्राम तो है हमारा, लेकिन पहले और भी लोग बता रहे हैं पार्क है और क्या क्या है, सब घूमते हुए जाए और उसके बाद फिर नहाएंगे भी, तो आज फुल मस्ती है ना। जब देखो कैसे लहरें मारा मलिया दानिया पानर हो क्या भाई, अच्छा लग रहा था, गर्मी लग रहा है। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये सब लगा हुआ है, दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत दिखा दिखा कर रही थी, लोग दिखा आ गए है ना, फूल है यहाँ रहने का, एक दो दिन रहिए तो मजा आएगा। ओल्ड दीघा बीच से न्यू दीघा बीच तक जो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा है, बीच के साइड बाय साइड रास्ता बना हुआ है, जिसके साइड में दुकानें हैं, कुछ पार्क बने हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, और भी दूसरी चीज़ें जो भी एक्टिविटी है वो इसी रास्ते पे तमाम चीज़ें लगती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो घूमते हुए ओल्ड से न्यू दीघा बीच तक भी टहलते हुए चले जाते हैं, हालांकि हम लोग उतनी दूर नहीं जा सके और बीच से ही हमें थक कर लौटना पड़ा।
कुछ कमाता नहीं है राइट। अरे डार्लिंग आंखें फाड़ के देख, जनता का प्यार कमा रहा है लड़का। ये देखिए यहाँ पर भी कोई ब्यूटिफिकेशन के लिए जगह जगह पे साइड साइड में बना हुआ है, तो अच्छा लगता है और उसको सुंदर ही बनाते हैं। शांत तो खैर है लेकिन क्लीननेस के हिसाब से उतना ज़्यादा ये नहीं है, उस तरह से क्लीनिंग नहीं है। दूसरा कि बहुत सारे ये जो इस तरह के पार्क बने हैं, जैसे ये पीछे हम देख रहे हैं, तो ये जो ग्रासेस हैं तो थोड़ा सा ग्रीनरी होना चाहिए, तो ग्रीनरी की कमी यहाँ पर दिख रही है। बाकी तो कंक्रीट का खूबसूरती नहीं, बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम जैसे घास हरे हरे घास होते तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती, लेकिन इसी की वजह से थोड़ा सा ये हो गया है। यही सब है और इसी तरह से हम लोग किनारे किनारे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दिख रहा है। गर्मी बढ़ रही है ना? हाँ गर्मी तो है, यहाँ पे धूप तेज़ है इसलिए गर्मी भी है। और अच्छा लग रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, कुछ ऐसा नहीं है। और काफ़ी स्पॉट्स हैं घूमने के लिए यहाँ पे, एक दिन आपके लिए काफ़ी नहीं है, एक दिन काफ़ी नहीं है। दीघा को पूरे अच्छे से घूमने के लिए आपको कम से कम दो दिन स्टे अगर आप करेंगे यहाँ पे तभी पूरा कवर कर पाएंगे, नहीं तो थक जाएंगे। अब इतना काफी और हालांकि देखिए कि अभी मैं दिसंबर के महीने में आ रहा हूँ जो कि ठंडा मौसम होता है, फिर भी यहाँ पे गर्मी लग रही है, पसीना चल रहा है, तो ये भी एक डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम निकाल के आए। और दूसरा है कि बीच किनारे जो घोड़े वाले हैं या कार वाले हैं तो ये लोग थोड़ा सा बाहर चढ़ा कर लेते हैं, उनका वही बिजनेस है, तो जो जितना बार्गेन कर ले, जितना बार्गेन किया उस हिसाब से हम लोग ये करते हैं। आइए और इसी तरह से देखते रहें, अब हर चीज़ को तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये दीघा बीच है, यहाँ हम खड़े हैं और ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और शाम में बहुत मज़ा आता होगा, घंटों यहाँ आके बैठे रहिए शांति से, एकदम ठंडी ठंडी हवा और उसमें पानी के थपेड़े की आवाज़ और अपने ध्यान में मगन औरत समंदर को ताकते हुए मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको भी मौका मिले तो जरूर आइएगा। धीरे धीरे बढ़ता होगा तो, वो तो ये से होता है ना, शाम में और बढ़ेगा ये, कि गर्मी बहुत है, गर्मी है थोड़ा सा ये हो जाता है। और ये लेकिन ये आइडियल मौसम है, समर में आने का नहीं है, नहीं तो आप ऐसे एक कदम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक तो धूप तेज होती है, दूसरा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मौसम सही है अभी का। ये देखिए ये पूरा दूर दूर तक लोग जगह जगह है, तो कोई सेल्फी ले रहे हैं, कोई फोटो ले रहा है, सब अपनी अपनी यादें बना रहे हैं और हम भी अपनी यादें बना रहे हैं। पानी का दर्शन करके चले आइए, पानी का दर्शन करके चले आइए, बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, खड़े रहो। हाँ ठीक है, खड़े रहो, खड़े रहो, कुछ नहीं होगा, खड़े रहो।